नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूँ रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग दो। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। स्विमिंग पूल से ममता और शक्ति के जाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने दादा से पूछा, ये लोग कौन थे? ये व्यक्ति था भार्गव, एक फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर। दादा ने ममता और शक्ति की पूरी कहानी सुनाई। इनकी कहानी सुनकर भार्गव चल पड़ा। इनकी सत्य कथा पर तो हिट फिल्म बन सकती है। फिल्म की पटकथा तैयार करो, कलाकारों की डेट्स ले लो, फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। दादा ने कहा, आर यू सीरियस? भार्गव बोला, यस। उन दोनों की कंसेंट ले लो, उन्हें भी अच्छा पैसा मिलेगा। दादा ने कहा, सोच लो, मुझे तो एक और काम मिल रहा है, पैसा तुम्हारा लगेगा। फिल्म हिट ना हुई तो तुम फिल्म डायरेक्टर ना, बस बाकी मैं देख लूंगा। तुमको अपनी टैलेंट पता नहीं, आधी जनता तो तुम्हारा नाम देखकर फिल्म देखने आती है। दादा ने कहा, शुक्रिया, अब जैसा भी हूँ तुम्हारे काम का हूँ तो ठीक है। इस पर दोनों हंसे। फिर भार्गव खड़ा हुआ और बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, कल मैं रोम जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद मिलते हैं। भार्गव ने ड्राइवर को पेज किया, वो कार लेकर पूल के पास आ गया। भार्गव ने दादा से हाथ मिलाया और कार में बैठकर चला गया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।